नमस्कार दोस्तों, मैं मीना पांडे फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ अपनी बैग बगिया की सैर कराने। आपको तो हम चलते हैं अपने ये टेरेस गार्डन पे, और इस पे जो ये क्यारियाँ बनाई हैं इसमें मैंने इस बार जो नई कटिंग लगाई है मैं उनसे आपको परिचित कराती हूँ। तो देखिए ये जो दिखाई दे रहा आपको, ये पीले रंग का जो गुड़हल मेरा बड़ा मदर प्लांट है उससे मैंने कटिंग लगाई है, और ये मैं अपने पड़ोसी जो है उनके यहाँ से कनेर की कटिंग लेके आई हूँ, और वो भी लगाई मैंने लग गई है। देखिए ये लगाई हुई कटिंग है, और ये देखिए एक मेरा ग्रो बैग में एक पपीते का पौधा हो रहा है। अब इसमें फल आते हैं ये तो मैं नहीं कहती, तो फूल तो आ रहे हैं पर फल बन नहीं पा रहे हैं शायद, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें। अब देखिए ये भी मैंने इस बार जो अलामंडा है इसकी कटिंग लगाई है और ये भी लग गई है। ये इधर देखिए, अब ये तो पुराने ही पौधे हैं मेरे, ये अपराजिता की बेल बहुत अच्छी फैली हुई है और इसमें खूब सारे फूल आ रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि हर फूल फल में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी फलियां मुझे निकालनी पड़ती हैं, क्योंकि नहीं अगर मैं उनको ना निकालूं तो बहुत सारी फलियां इसमें बन रही हैं जो कि उसके न्यूट्रिशन को ले लेती हैं, इसलिए मैं उनको तोड़ देती हूँ, बीच बीच में निकाल देती हूँ। ये है देखिए, ये मेरा रेन लिली का पौधा, इसे खूब फूल दिए इस बार और अब इस समय ये फूल नहीं दे रहा है। इधर देखे मैं ग्रो बैग में टमाटर लगाए हैं मैंने, और एक इतना बड़ा टमाटर हो चुका है, एक छोटा टमाटर भी हो रहा है और काफ़ी सारे फूल हैं, ये शायद फलों में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ऐसा कहते हैं देखिए, टमाटर के पास अगर आप गेंदे के पौधे को लगाएं तो टमाटर में कीड़ा नहीं लगता है, क्योंकि जो कीड़ा टमाटर में लगता है वो टमाटर से ज़्यादा गेंदे के पौधे को पसंद करता है, इसलिए टमाटर में न लग के वो जितना भी नुकसान पहुँचाना होता है वो गेंदे के पौधे को लग पहुँचाता है, तो टमाटर का पौधा हमारा सेफ हो जाता है। इधर देखिए और दो टमाटर के पौधे हैं, अभी इसमें फ्लावरिंग तो हो रही है पर फ्रूटिंग अभी शुरू नहीं हुई, इसमें तो एक छोटा सा ये देखिए यहाँ पर टमाटर लगने लगा है। तो ये है, और ये मैंने देखिए टायर में टमाटर का पौधा हुई है, खुदी हुई है ये, क्योंकि मैं किचन वेस्ट को मिट्टी में डालते रहती हूँ तो उससे खुद ही उग जाता है। और ये मेथी मैंने बोई है जो कि उगाई है, और कुछ मेथी के साथ मैंने धनिया भी बोया है, कुछ धनिया भी उग रहा है, एक धनिया ये पहले का पुराना बीज गिरा होगा तो उससे बड़ा काफ़ी हो गया है। और इन गमलों में मैंने मिट्टी तैयार की है, अब पौधा लगाऊंगी मैं, पिटूनिया आएगा तो पिटूनिया लगाने की सोच रही हूँ इसमें। ये देखिए ये गमला मैंने खुद बनाया है, ये वाला जो है ये मेरे घर में सीमेंट का काम हुआ था और सीमेंट बच गया था, तो मैंने ये कुछ गमले बनाए हैं नेट में, जो मेथड देगी उसको देख देख के दो टबों की सहायता से मैंने ये गमले बनाए हैं, सात गमले बनाए हैं मैंने ऐसे। ये देखिए एक दो इधर हैं, ये तीसरा गमला है, ये चौथा गमला है, पांचवा और ये छठा और वो सातवां, तो सात गमले इस तरह के मैंने बनाए हैं। और ये देखिए टायर जो हैं, मेरे हस्बैंड ने टायर बदले इस बार, तो मैंने उन टायरों में मिट्टी भर दी है, और इसमें भी मेथी हो रही है, टमाटर का पौधा हो रहा है। टमाटर के पौधे को मैं बढ़ाव नहीं दूंगी, मेथी तो कुछ समय बाद इसके पत्ते खाने लायक हो जाएंगे फिर मैं निकाल दूंगी इसे। इसमें भी धनिया बो दिया मैंने देखिए, और इसमें टमाटर का पौधा काफ़ी अच्छा बड़ा हो रहा है, और ये देखिए इसमें फ्रूटिंग शुरू हो गई। और इधर देखिए मेरे गम जो हैं, इनमें जो मैंने टेरेस पर गमले नुमा जो क्यारी नुमा आकृतियाँ बनाई हैं उनमें भी फ्लावरिंग हो रही है काफ़ी अच्छी। और ये जो मैंने सेल्फ मेड गमले हैं मेरे, इनमें मैंने सोचा है कि मैं ये अडेनियम की जो छोटे छोटे पौध मेरे हो रहे हैं उनको मैं इनमें रिपोर्टिंग करूँगी। एक में तो मैंने कर भी दी है, देखिए ये थोड़ा बड़ा पौधा हो रहा था, ये मैंने अपने बनाए हुए गमले में इसको रिपोर्ट किया है, क्योंकि अडेनियम के लिए इसी प्रकार के गमलों की आवश्यकता होती है। और जो बाज़ार से गमले आ रहे हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं, बहुत जल्दी टूट जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही बना लूँ। और इस बार देखिए मैंने मोरिंगा का प्लांट लगाया है, एक मोरिंगा सहजन जिसे कहते हैं, ये काफ़ी अच्छा प्लांट माना जाता है, इसके पत्ते भी काफ़ी उपयोगी होते हैं, तो मैंने सोचा कि इस बार लगाऊं। तो हम मेरे हस्बैंड के कोई फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे ये पौधा दिया और मैंने इसे लगाया और लग गया है, देखिए काफ़ी पत्ते इसमें आ चुके हैं। अब देखिए इधर ये मैंने ये बीज से जो नींबू है वो लगाया है, शायद ये फल तो तुरंत नहीं देगा क्योंकि बीज से बना हुआ है पौधा, लेकिन देखती हूँ ग्रो बैग में लगा हुआ है कितना समय में ये देता है। और ये भी मेरे द्वारा बनाया गमला है देखिए, इसमें मैंने अभी मिट्टी तैयार की है
अब कुछ दिनों में इसमें मैं कुछ बीज बो दूँगी, और जब ये सीज़न चला जाएगा तो फिर मैं इसमें एक सीज़न एक सब्जी लेकर के उसके बाद इसमें मैं अपने अडेनियम के पौधे प्लांट करूँगी, रीप्लांट करूँगी। ये देखिए इधर भी मेरे ग्रोबैक्स, और ये देखिए मैंने ये जो पौधे ये जो गमले बनाए हैं कपड़ों की सहायता से, ये कपड़ों वाले गमले हैं, इनमें भी मैंने मिट्टी तैयार की है, और कुछ पुराने पहले बनाए थे उनमें मैंने ये बो दिया है। मटर ये मेथी बोई है, तो ये मेथी के उगाई है, और कुछ समय बाद ये मेरे सब्जी के काम आ जाएगी। इधर देखिए टमाटर के पौधों में टमाटर लगे हुए हैं, और ये इसी बार की लगाई हुई, देखिए ये सफ़ेद रंग का कनेर है, इसकी कटिंग है, वो जो थे गुलाबी रंग का था, और ये है सफ़ेद रंग का कनेर। इधर देखिए मिर्च के पौधों में क्या बढ़िया मिर्च आई है, ये देखिए मिर्च के दो पौधे इसमें हैं, एक टमाटर का पौधा भी इसमें खुद ही उगाया है, तो मैंने निकाला नहीं है, और मिर्च खूब बंपर आ रही है इस समय। बारिश में तो मिर्च ख़राब हो जा रही थी, पौधे के पत्ते जो थे वो मुड़ जा रहे थे। इस बार मैंने कटिंग में देखिए ये भी लगाया है टिकोमा, ये लग गया है, और इसी में मैंने ये अलामंडा, येलो अलामंडा लगाया है, ये भी लग गया है, ये गर्मियों में फूल देता है, इसमें तो ये देगा नहीं। और ये टिकोमा देखिए येलो बेल्स जो होती हैं वो है, और ये इतने सारे पौधे मैंने ये जो प्लांटर्स में हैं मैंने वो ये कपड़ों की सहायता से बनाए हैं, ठीक है। और ये है देखिए इसमें मेरा टमाटर का पौधा, ये कोलियस हो रहा है, ग्रो बैग में कोलियस है, ये कैक्टस, ये देखिए टमाटर पौधा तो बहुत बढ़िया नहीं हो रहा है, लेकिन देखिए इसमें फ्रूट्स कितने अच्छे ज़्यादा मात्रा में आए हुए हैं, ये कोलियस है। इधर ये देखिए जी काले रंग की जो मैरीगोल्ड का पौधा है, ये खुद ही उगा था मेरा पौधा, और ये इतने फ्लावर्स दे रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स दे रहा है। इधर भी देखिए ऊपर इसमें मैंने पौधे लगाए हुए हैं जो, उनमें भी अच्छी इस समय ग्रोथ है। और ये कोलियस, ये देखिए कोलियस, ये भी एक टिकोमा लगाया था, ये भी लग गया है। इधर तुलसी है, ये क्रिसेंथेमम गुलदावरी, और ये मैंने इस बार देखिए एक रेड कलर का वो गुड़हल लगाया है, और वो भी पौधा लग चुका है। और ये देखिए ये टमाटर, टमाटर का पौधा बहुत अच्छा तो नहीं हो रहा, लेकिन इसमें टमाटर लग रहे हैं, ग्रोथ अच्छी नहीं है इसकी। इधर और भी मैंने टमाटर के पौधे लगाए हैं, इसमें टमाटर फ्रूटिंग अच्छी देता है। और इधर देखिए फिर ये छोटी वाली मिर्च है, ये हो रही है मिर्च, ये टिकोमा येलो बेल्स है। ये देखिए बैंगन हो रहा है मेरे पौधों में, बैंगन की पैदावार हो रही है इस समय। दो सब्जी तो हम खा चुके हैं, और एक सब्जी अब इसमें एक दो दिन बाद निकल जाएगी, काफ़ी सारे बैंगन इसमें हो रहे हैं। तीन चार पौधे हैं मेरे, टिकोमा का एक और पौधा देखिए, ये सारे बीज से बने हुए पौधे हैं। मेरे पड़ोस में जो एक पड़ोसन है मेरी, उनके यहाँ ये टिकोमा का पेड़ था, उसके बीज नीचे गिर के पौधे उगाए, तो उन्हीं पौधों को मैंने वहाँ से ले लिया था, और आज ये इतने बड़े हो गए हैं। ये देखिए ये जो इसका नाम मैं अभी भूल रही हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, ये साल्विया। ये देखिए बैंगन, बैंगन में फ्रूटिंग हो रही है, ये एक सब्जी अभी है, एक दो दिन बाद अगर मैं तोड़ूँगी तो एक सब्जी निकल आएगी। ये टमाटर का पौधा है देखिए, अच्छी ग्रोथ है, अभी फ्लावर्स तो आए हैं, फ्रूटिंग अभी होएगी शायद इसके बाद। इधर भी बीच बीच में टमाटर के पौधे लगे हुए हैं, तो ये देखिए इधर मैंने एक गेंदा लगाया था, काफ़ी अच्छा हो रहा है। इधर देखिए ये गुलदावरी है, इसमें ये फ्लावरिंग तैयारी है, अच्छी हो रही है ये भी। तो ये देखिए इसमें भी बैंगन लग रहे हैं, यहाँ पर एक ये हरी मिर्च का पौधा है, इसमें भी हरी मिर्च अभी आने की तैयारी है, फ्लावर्स काफ़ी सारे आ रहे हैं, शायद मिर्च भी काफ़ी लगेंगी। और इधर ये पीले वाले गुड़हल का मैंने एक कटिंग लगाई थी, वो भी लगाई है देखिए, बड़ी हो गई काफ़ी। और ये देखिए गुलाब, मैंने अपने पुराने गुलाबों से मदर प्लांट से कटिंग लगाई है, एक कटिंग यहाँ पर और एक कटिंग यहाँ पर, ये फ्रूट फुल हो चुकी है मेरी, इसमें फूल आ रहा है देखिए, दो तीन फूल पहले भी आ चुके हैं और एक कली आई है ऊपर से। तो इस तरह से ये है, और ये मेरे देखिए पुराना कनेर है, और ये नाग चंपा है, और इस तरह से मेरी ये फुलवारी है। तो इस बार के जो लगे हुए मेरे पौधे हैं वो आप देख ही रहे हैं कि ये जो ब्लीडिंग हार्ट है, ये भी मेरा इसी बार का कटिंग लगाई हुई कटिंग है, काफ़ी अच्छी चल पड़ी है। और ये गुलाब तो चल ही गया है, ये मैंने यहाँ पर भी ये अपराजिता लगाई है,
अब इनको ये देखिए, ये पौधे जो मैंने टावर बनाया था, अब ये पौधे बहुत फूल नहीं दे रहे हैं, तो इनको मैं हटा करके इसमें कुछ और सीजनल प्लांट लगाऊंगी। एक ये देखिए सफलेरिया की कटिंग मेरी अच्छी चल पड़ी है, ये मदर सफलेरिया है और इससे ली हुई ये कटिंग है, अभी छोटी सी है लेकिन काफ़ी अच्छी हो गई है। ये देखिए एक गुलदावरी, एक सालविया यहाँ पर हो रहा है और ये हैंगिंग में प्लांट्स हैं मेरे, देखिए। और ये मेरा कमरा है जिसमें इधर अब ये अडेनियम बहुत अच्छे फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये अब डॉर्मेंसी में चले जाएंगे। और ये मेरा कमरा है देखिए, जिसमें मैंने अपने ग्रीन ग्रीन प्लांट्स का एक वर्ल्ड बनाया है और वहाँ मैं बीच में बैठती हूँ कभी और अपनी बुक्स पढ़ती हूँ या फिर चाय पीती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है यहाँ पर। और जब बारिश का मौसम होता है तो इसके अंदर बैठ करके बाहर को बारिश का नज़ारा देखना, तो क्या कहना, फिर बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह की मेरी फुलवारी है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेशन में जाकर कमेंट भी कीजिए, ताकि आपके अच्छे अच्छे कमेंट सुन करके मेरा उत्साह वर्धन होता है और मैं और बागवानी के लिए प्रेरित होती हूँ। धन्यवाद।